Hello friends, good morning, welcome back to my channel. Today is the third day in Coorg and today we have to check out. So we will be going back to Bangalore and on the way there is a elephant camp which we will go and I will take you guys along with me. And so finally हम लोग दोबारे elephant camp पहुंच गए हैं. ये वहाँ पे बोर्ड है जो एंट्री होती है और एंट्री के बाद ये थोड़ा सा लंबा रूट आता है जो कि काफ़ी सीनिक है. ये बगल में ताड़ के पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे रूट के किनारे किनारे. वो यहाँ पे मैं फोटो भी खिंचाना चाहती थी लेकिन ओम ने गाड़ी नहीं रोकी, ही इज सो बैड. एंड फिर अब आ गई यहाँ पे पार्किंग. पार्किंग करने के बाद ये पूरा एक लेक नहीं नदी जैसे आती है, मतलब जो भी नदी ही आई थिंक बड़ी सी, उसको क्रॉस करके बोट में जाते हैं. उसको क्रॉस करके उधर पूरा एलिफेंट कैंप है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें दिखेगा आप लोग को, तो ये देखो आप लोग, ये हमें उधर जाना है पूरा क्रॉस करके नदी को. और ये जो बोट दिख रही है ना आपको पानी में चलती, उस बोट से हम जाएं. अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं. यहाँ पे एंट्री फी 80 रुपीज़ की है पर पर्सन. यहाँ पे इन लोगों ने कोई भी लाइक RT-PCR और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये सब कुछ भी चेक नहीं किया. अगर हम यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, हम सबको बोलें कि पैसे वैसे निकाल के रेडी रहो भैया, हमारा टर्न आने ही वाला है. और यहाँ पे निपुल को लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, बट मैं तो वीडियो बना रही थी. और पानी इतना खूबसूरत है. सो फाइनली बोट आ गई है और अब हम लोग इसमें बैठ के जाएंगे हाथियों से मिलने के लिए उस पार. हम नदी के इस पार से उस पार तक जाएंगे. फाइनली हम लोग पहुँच के हाथियों के पास. यहाँ पे साइड में एक हाथी नहा रहा है जिसको मैं भाग के देखने के लिए जाऊंगी अभी. तो देखो आप लोग, ये मस्त यहाँ पे नहा रहा है, लेट के उसको नहला रहे हैं. यहाँ पे सब अच्छा था लेकिन एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हाथियों को बंद करके रखा है बिकॉज ऑफ कोविड. यहाँ पे सारी एक्टिविटीज बंद है. अदरवाइज़ आप जब यहाँ पे जाओगे विजिट करोगे तो जनरली बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है इंक्लूडिंग द हाथी. मतलब आप हाथी को नहा सकते हो और जो भी कुछ कुछ होता है, जो कि हमें कुछ भी करने को नहीं मिला. बस ये चेन में जो उनको बांध के रखा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा. बट देन वही है कि अभी सब लोग गए हैं तो उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए मे बी. बट दे वर सो क्यूट एंड काम, लुक एट हिम, ही इज सो क्यूट. बस ये जंजीरें मुझे अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते हैं. और यहाँ पे मैं घास तोड़ रही हूँ हाथी को खिलाने के लिए क्योंकि सब लोग वहाँ पे घास खिला रहे थे हाथी को. तो मुझे लगा हाथी को घास खिलाने का यहाँ पे कोई रिवाज है, बट वो लोग ना ज़बरदस्ती बस फोटो खिंचाने के लिए खिला रहे थे. हाथी वाला आया और इतनी तेज़ उसने झाड़ लगाई ना सबको, मैं तो भाग गई. मैंने तो कुछ नहीं खिलाया फिर उसके बाद. और एक हाथी ना पूरा गुस्सा हो गया था, इतना गुस्सा हो गया उसको डांट पड़ी सबसे ज़्यादा क्योंकि वो घास खा रहा था. उसको इतनी डांट पड़ी कि वो गुस्सा होकर उसने सारी मिट्टी उठा के अपने सिर पर डाल ली गुस्से में. वो भी अभी आएगा शायद, नहीं तो मैं बताती हूँ कौन सा. लेकिन उसकी फोटो छिली तो थी मैंने. हाँ ये वाला ये जो आया ना, ये गुस्से में ना अभी देखो कैसे घूम रही है. बहुत गुस्से में था ये, इसने पूरा गंदा उठा के नीचे से अपने सिर पे डाल लिया था. ही वाज वेरी एंग्री. लुक एट देम, दे आर ऑल वेरी क्यूट. यहाँ पे मस्त एक ग्राउंड में घेर के रखा था, उसमें बीच में हाथी आराम से थे सब लोग, कॉर्नर कॉर्नर में. आप लोग देख सकते हो, दूर से फोटो खींच सकते हो, पर उनके पास जाना वॉज नॉट अलाउड ऑब्वियसली. ये हाथी मस्त जंगल में अकेला खड़ा था, मतलब ये जंजीरों में नहीं बंधा था, ये खुले में था. ये बहुत दूर है, मैंने थोड़ा जूम करके लिया है इसीलिए ये खुले में, क्योंकि एकदम डी अंदर जंगल में था ये खड़ा. देखो अब ये हाथी के खाने का टाइम हो गया है. मस्त क्यूब से खाएगा, एक खा लिया उसने
और एक को सूंड में रख लिया है कि वो चबाने के बाद मैं दूसरा खाऊंगा। मस्त चबा रहा है। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। हाथी को पीसफुली खाना खाने दिया जाए यार, खाना खाते वक्त दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इन जनाब के पास जो मस्त नहा रहे थे, एकदम तो मलमल के नहाया है इन्होंने। देखो आप लोग, इसको ना थोड़ी चोट लगी हुई है इसके सर पे, और मुझे थोड़ा सा देख के खराब लग रहा था, पर ये बहुत क्यूट है। यहाँ पर इसमें ना बहुत सारे पानी भी फेंके लोगों के ऊपर, वो भी आप लोगों को देखने मिल रहा है। क्या मस्त नहा रहा है। ये सब कुछ ना हम लोग कर सकते थे, मतलब अगर कोविड नहीं होता तो, बिकॉज ऑफ कोविड ये सब अलाउ नहीं था उधर। अभी ये वाला देखो, ये मैं भी करना चाहती थी लेकिन सिंस मैं पूरा भीग जाती और हम वापस आ रहे थे तो गाड़ी में पूरे भीग के बैठी रहती पूरे दिन, तो प्रॉब्लम रहती, इसलिए नहीं किया। ये मस्त फेंकेगा पानी। उनको देख के तो मेरा बड़ा मन करा था लेकिन ओम ने मेरे को करने नहीं दिया। उन्होंने बोला नो, नो मीन्स नो, ही ऑलवेज सेज नो एवरीथिंग, नो। ये बच्ची तो पूरा ही भीग गई, पूरा ही भीग गई। इसको दो बार पानी मिला। अब मस्त नहा लिया, दूसरे को भिगो लिया, अब ही इज गोइंग बैक। I will go back. Bye, cutie. Bye. Maybe I'll visit you next time. हमारी बोट आ गई, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। और यहाँ पे देखो, वापस जाने के बाद मेरा मन बेचैन था पानी में जाने के, इसलिए मैं गई, मैंने देखा कि पानी कैसे, ज़रा छू के मज़े ले लूँ। और पानी बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा, इट वॉज़ वेरी गुड। और इतनी गर्मी थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी कि पानी में जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा है, मतलब लिटरली अगर उस दिन वापस नहीं आना तो मैं पक्के से नहा ही लेती। और अब हम लोग वापस आते वक्त उसी रेस्टोरेंट में गए जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, कामत लोकल रुची। और यहाँ पे जाके हमने खूब सारा खाना खाया, खूब सारा खाना। खाने के बाद गाड़ी में बैठते ही सो गए, सब सो गए, नहीं सर, ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर नहीं सोया था। तो ये रही आपकी ब्लॉगर जो काम डेलीगेट कर दिया, अभी काम डेलीगेट कर दिया है मुझे। और गर्म पानी पी रही है और हम सबकी हालत खराब है, भूख से रही हो, हालत खराब तो नहीं लग रहा है तुम्हारा। हाँ, ये आदमी पूरे रास्ते सोते हुए आया है अब इसके और इनकी हालत खराब है ड्राइव कर करके, और ये तो मजे में ये तो मजे हम लोग को जहाँ उस दिन ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, हम लोग आज वहीं पर आके वापस रुके हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड टू कम। तो यहाँ पे खाना आने की शुरुआत होगी। सबसे पहले मेदू वड़ा आया था तो हम लोग सब उस पर टूट पड़े क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। मैंने तो मसाला डोसा मंगाया था, नुपुर अभिनव और उनने प्लेन डोसा खाया, घी रोस्ट। और उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले आराम से खा लिया जाए। तो खाते पीते उसके बाद जब हम लोग वापस गए गाड़ी में, हम लोग पूरे रास्ते सो गए और फिर सीधा घर पहुँच गए। घर पहुँच के मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइज हम लोग घर पहुंच गए हैं और अब हम लोग चेंज वेंज करके कुछ डिनर विनर खा के सो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग एंड इफ यू डू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू एट माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, थैंक यू।